सो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, वो है हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग के अंदर। लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है वो अपन देखेंगे, और हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स फॉर इमेज इन्हेंसमेंट ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग, दो कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे। वो दोनों कॉन्सेप्ट ग्लोबली हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग थे। ग्लोबल का मतलब सारे पिक्सल्स की वैल्यू एक साथ कंसिडर होती थी और उसके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू या इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही थी। पर हियर टुडे अपन डिस्कस करेंगे लोकल हिस्टोग्राम जो होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, मतलब ग्लोबली न कंसिडर करके लोकली किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पिक्सल और इंटेंसिटी के वैल्यू को किस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। सो इट इज अवर सिलेबस, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन वी ऑलरेडी डन, देन हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं अपन, स्पेशल फिल्टरिंग इसके बाद पढ़ेंगे। तो हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग आज अपना फिनिश हो जाएगा, अगली क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस में जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आपके अच्छे से खत्म हो जाएंगे। नाउ हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, हिस्टोग्राम मैचिंग और स्पेसिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और मैचिंग अपन कर चुके हैं, आज अपन पढ़ेंगे हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, और इसी के साथ आज अपन पढ़ेंगे यूजिंग हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स फॉर इमेज इन्हेंसमेंट। तो लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है वो देखेंगे, और यूजिंग हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स फॉर इमेज इन्हेंसमेंट क्या होता है वो देखेंगे। सो लेट स्टार्ट बिगिन विद टूडेज लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। सो वेन एवर अगर अपन किसी भी इमेज के हिस्टोग्राम की वैल्यू, चाहे इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू हो या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी वैल्यू हो, उसको अपन अगर चेंज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, नॉट कंपेयरिंग द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ ऑल पिक्सल्स बट कंपेयरिंग द नियर बाई पिक्सल्स। क्या मतलब हुआ, अपन किसी इमेज की किसी पिक्सल की इंटेंसिटी को जब चेंज करते हैं इमेज इन्हेंसमेंट के लिए, तो उसको पूरे इमेज के पिक्सल्स को कंपेयर करके ना कि बल्कि केवल और केवल उसके आसपास जो पिक्सल्स हैं उनको कंपेयर करके अगर इंटेंसिटी अगर अपन चेंज करें, दैट इज सिंपली नोन एज अ लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, लेट हैव अ लुक। द हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग मैथड, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड मैचिंग जो कि अपन ने पहली क्लास में किया था, आर ग्लोबल। वो क्या थे आपके, ग्लोबल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। इन द सीन्स दैट पिक्सल्स आर मॉडिफाइड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर इमेज। पूरी इमेज के अंदर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके आधार पर अगर आपका किसी पिक्सल की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज अ ग्लोबल हिस्टोग्राम, जो कि किस में होता था, आपका होता था इक्वलाइजेशन एंड मैचिंग हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग के अंदर। नाउ ऑल्दो दिस ग्लोबल अप्रोच इज सुटेबल फॉर ओवरऑल एनहेंसमेंट, देर आर केसेस इन विच इट इज नेसेसरी टू इन्हेंस डिटेल ओवर स्मॉल एरिया इन एन इमेज। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर स्मॉल एरिया को इन्हेंस करना इट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द ओवरऑल इमेज। ओके, नाउ इन द लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, सो द डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन केयरफुली द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। इन द लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेबरहुड ऑफ एवरी पिक्सल्स इन द इमेज, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल लाइन। इट मीन्स इन अ केस ऑफ ग्लोबल हिस्टोग्राम अपन क्या करते हैं, ओवरऑल इमेज की इंटेंसिटी को कंपेयर करके किसी पर्टिकुलर पिक्सल्स की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। बट इन द केस ऑफ लोकल हिस्टोग्राम व्हाट वी डिड, वी सिंपली चेंज द वैल्यू और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज क्रिएटेड
टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पिक्सल्स ऑन बेस ऑफ नेबरहुड पिक्सल्स. किसके बेस पे? उसके नेबर के पिक्सल्स की जो वैल्यू, उसके आधार पे इसको अपन चेंज करते हैं, रेदर देन द ग्लोबल इमेज या ग्लोबल एंटायर पिक्सल वैल्यू ऑफ द इमेज. द हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग टेक्निक, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड मैचिंग डिस्क्राइब आर इजिली अडॉप्टेड टू लोकल एनहेंसमेंट. कहने का मतलब क्या है कि जैसे आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये आपकी इमेज थी, इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी थी, साउंड इज ब्रेकिंग. टेल मी, साउंड इज ब्रेकिंग टू एवरीवन और ओनली शशांक? क्या साउंड मेरा सही आ रहा है या केवल शशांक को डिस्टर्ब कर रहा है? जल्दी से बताइए. ओके, ओके, आई होप नाउ इट इज ओके. ओके, सो लेट इट इज एन इंटेंसिटी एंड इट इज एन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पिक्सल. इट इज एन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पिक्सल. सपोज इट इज पर्टिकुलर वैल्यू. सो व्हेन वी डू अ इक्वलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन और मैचिंग, वी ग्लोबली कैलकुलेट द थिंग्स. सारे पिक्सल्स की वैल्यू की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं और इसको अपन एक यूनिफॉर्म, जैसे इक्वलाइजेशन कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम में अपन कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, इसमें ऑल पिक्सल, जितने पिक्सल्स हैं उन सब का यूज होता है. बट इन द केस ऑफ लोकल हिस्टोग्राम, सपोज यू हैव ए इमेज, उस इमेज के अंदर आपका ये कोई पिक्सल है, उसके ऊपर एक पिक्सल है, उसके कुछ यहाँ कुछ पिक्सल है, अपन 3x3 पिक्सल ले लेते हैं. आई मेक इट करेक्ट, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो किसी इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स हो सकते हैं. लाइक किसी इमेज की बात करें, अगर 64x64 एक छोटी सी इमेज की भी बात करें अपन, 64x64 इमेज वाली की भी अगर अपन बात करें, तो दिस इमेज कैन कंटेन 4096. हाउ मच? 4096 पिक्सल्स. ठीक है, इतने पिक्सल्स इसके अंदर होते हैं. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग दिस स्मॉल नंबर ऑफ पिक्सल्स, केवल अपने पास 3x3 पिक्सल्स है, 9 पिक्सल्स हैं. तो जैसे इस पिक्सल्स की, ये जो आपका पिक्सल है, ये वाला पिक्सल, इस पिक्सल की इंटेंसिटी को अगर अपन को कैलकुलेट करना है, इस पिक्सल की इंटेंसिटी को अपन कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, रिमेनिंग जो 3, 3, 6, 7, 8 पिक्सल्स बचे हुए हैं उनके ऊपर अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन या फिर मैचिंग. इक्वलाइजेशन मतलब क्या हुआ था, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में क्या क्या था, इन आठों की इंटेंसिटी को लिया, एवरेज किया, और उस एवरेज को अपन ने जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करके अपन इस इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया. मतलब है अपन लोकल इंटेंसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं या लोकल हिस्टोग्राम को प्रोसेस कर रहे हैं, बट उस लोकल के अंदर भी जो छोटा पार्ट है उसको अपन किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन या फिर हिस्टोग्राम मैचिंग की तरफ. समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर सारे पिक्सल्स कंसिडर होते थे, इस केस के अंदर आपके सारे पिक्सल्स कंसिडर होते थे, पर यहाँ पर अपन केवल छोटा ब्लॉक लेते हैं लोकली. इतने 4096 में केवल अपन ने 9 ब्लॉक्स लिए हैं, 9 पिक्सल्स लिए हैं. उन 9 पिक्सल्स में किसी सेंटर पिक्सल्स की वैल्यू को कैसे अपन इवैल्यूएट करेंगे, बाय वी कैन अप्लाई इक्वलाइजेशन और मैचिंग आल्सो, सो दैट वी कैन गेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्सल्स. ये क्या बताया, समझ में आया? यस और नो, टेल मी. ओके, सो देखो, द हिस्टोग्राम प्रोसेस टेक्निक, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड मैचिंग डिस्क्राइब अर्लियर आर इजीली अडेप्टेड टू द लोकल इन्हेंसमेंट. तो लोकल इन्हेंसमेंट भी इनको यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं ये मैंने अभी आपको बताया. आई होप रेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स ऑल्सो अंडरस्टूड दिस. नाउ लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग प्रोसीडर, प्रोसीडर क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. आई ऑल्सो हैविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे.
द प्रोसीडर इज टू डिफाइन अ नेबरहुड एंड मूव इन द सेंटर फ्रॉम पिक्सल टू पिक्सल्स. तो अपन क्या करते हैं, वही चीज़ जो भी मैंने आपको बताया था, 9 पिक्सल्स अगर अपन लेते हैं तो सेंटर पिक्सल्स के वैल्यू को बाकी पिक्सल्स से अपन कंपेयर करके निकालते हैं, फिर पिक्सल बाय पिक्सल मूव करते जाते हैं और उसके नियर बाय पिक्सल्स की वैल्यू को कंप्यूट करते जाते हैं और इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते जाते हैं. एट द ईच लोकेशन द हिस्टोग्राम ऑफ द पॉइंट इन द नेबरहुड इज कंप्यूटेड एंड आइदर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज ऑब्टेन. तो क्या करते हैं, वही चीज़ जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, वी हैव सपोज 3 × 3 पिक्सल्स लोकल हिस्टोग्राम. तो अपन क्या करते हैं, एक एक पिक्सल्स को लेते हैं और उसके नेबर के अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. माना कि इस पिक्सल्स को लिया, इसके नेबर के अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया. फिर नेक्स्ट पिक्सल पे गए, इसके भी नेबर होंगे 3 × 3 और इसकी भी इंटेंसिटी इसके नेबर के अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेट कर दी. तो कब तक करेंगे, जब तक कि सारे जहाँ जहाँ अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जिसको अपन को एनहेंस करना, वो सारे नहीं हो जाते तब तक अपन करते रहेंगे. देन दिस फंक्शन इज देन यूज टू मैप द इंटेंसिटी. दिस फंक्शन इज देन यूज टू मैप द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल सेंटर सेंटर्ड इन द नेबर. तो ये फंक्शंस क्या करता है, ये सेंटर्ड जो आपका है उसके जितने भी नेबर्स हैं उसकी इंटेंसिटी से कंपेयर करता है और उसकी इंटेंसिटी को अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नेबर्स इंटेंसिटी. ये प्रोसीजर इसके अंदर होता है. सो वेलकम सौरभ. तो आज का टॉपिक है अपना लोकल हिस्टोग्राम. लोकल हिस्टोग्राम में अपन क्या करते हैं, लोकली पिक्सल्स लेते हैं और उसके पड़ोसी पिक्सल्स के आधार पर उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं. और लोकल पिक्सल्स में भी छोटे छोटे पिक्सल्स पे अपन इमेज इक्वलाइजेशन और इमेज हिस्टोग्राम को यूज़ इमेज इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और हिस्टोग्राम इन्हेंसमेंट का यूज मैचिंग का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो द सेंटर ऑफ द नेबर रीजन इज देन मूव टू द एडजसेंट पिक्सल लोकेशन एंड द प्रोसीडर इज रिपीटेड. तो बार बार क्या होता है, ये सेंटर है, ये अब दूसरे पिक्सल्स की जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एडजसेंट हो गया और बार बार अपन क्या करेंगे, सारे पिक्सल्स की वैल्यू को लोकल नेबर पिक्सल्स की इंटेंसिटी के वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे और उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे. बिकॉज ओनली वन रो और कॉलम ऑफ द नेबरहुड चेंज ड्यूरिंग द पिक्सल्स टू पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन. अगर अपन यू मूव कर रहे हैं तो अपन रो चेंज कर रहे हैं, यू मूव कर रहे हैं तो अपन कॉलम चेंज कर रहे हैं. नेबरहुड अपडेटिंग द हिस्टोग्राम ऑब्टेन इन द प्रीवियस लोकेशन विद द न्यू डेटा इंट्रोड्यूस्ड एट ईच मोशन स्टेप इज पॉसिबल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वे सिंपली वी कैन से लाइक दैट कि यहाँ पर अपन वन बाय वन मूव कर रहे हैं तो हर एक के अंदर स्टेप बाय स्टेप ईच रो और कॉलम को इजिली अपन प्रोसेस कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को अपन चेंज कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट द लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग. द सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट अपने पास बहुत सारे कमरे में बहुत सारे लोग सपोज इकट्ठा हो रहे हैं, उन बहुत सारे लोगों की अलग अलग, फॉर एग्जांपल अपन कह सकते हैं सबके पास अपने अलग अलग कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, कुछ अलग अलग पैसा है. तो अलग अलग पैसा अगर सबके पास है तो सबके पैसे को इकट्ठा करके सब में इक्वली बांटने की जगह अपन ने क्या किया, अपन ग्रुप बना रहे हैं 9 9 पीपल्स का, 9 पीपल्स का, 2 × 2 पीपल्स का, 4 पीपल्स का, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं. 3 × 3 पीपल्स का अपन अपन ग्रुप बनाया. देन वाट वी डिड, अब उन 3 × 3 9 पीपल्स के अंदर जितना है पैसा है उसके पैसे को कंपेयर किया और बीच वाले को उसके अकॉर्डिंग इक्वल इंटेंसिटी को असाइन कर दिया. फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 पीपल्स को, नेक्स्ट 9 पीपल को कंपेयर करेंगे. तो उससे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी इन्हेंसमेंट होगा वो लोकली जो पिक्सल्स हैं उसके आधार पर होगा, न कि पूरे सब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनके आधार पर. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस था जो कि इसमें लिखा था. आई होप आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा. नाउ इट इज एन एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है देखें, यहाँ पर इट इज एन इमेज, एक इमेज है, इसको अपन ने ग्लोबली इन्हेंस किया. ग्लोबली इन्हेंस किया मतलब सारे पिक्सल्स की इंटेंसिटी निकाली, सबका एवरेज किया और एवरेज करके अपन ने क्या कर दिया, सब में बांट दिया. सब में क्या कर दिया, अपन ने बांट दिया. तो उससे इमेज कुछ इस तरीके की आई. लेकिन फिर ही अपन ने क्या किया, अगेन व्हाट वी डिड, वे सिंपली टेक अ लोकली लोकली पिक्सल लिया अपन ने. अब लोकली पिक्सल से अपन जब ले रहे हैं तो लोकली अपन देख रहे हैं कि लोकली इमेज की क्या वैल्यू है इंटेंसिटी की. तो जब अपन लोकली इन्हेंस कर रहे हैं तो ये जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से हो गई है,
मतलब इस तरीके से आपकी वाइट हो चुकी है। तो वाइट किस तरीके से हुई, यहाँ पर अपन चेक करें, देखो वाइट एरिया बहुत ज़्यादा है, उसको अपन ने कंपेयर किया, लोकल इन्हेंस अपन ने शुरू किया, इसने लोकल इमेज को कंपेयर किया लोकल पिक्सल्स को, और पिक्सल बाय पिक्सल इसने इन्हेंस किया। इन्हेंस करने के बाद क्या हो गया कि जितने भी आपके डार्क्स बिल्कुल डार्क्स थे वो थोड़ा सा लाइट उभर आए, क्योंकि उसके आसपास का जो लोकल है वो क्या आपका बहुत ही लाइट है, तो इस लाइट की वजह से ये डार्क बिल्कुल क्या हो गया, लाइट हो गया। किस वजह से, जस्ट इसके नेबर से, इसके नेबर बहुत ही लाइट है। तो इससे अपने पास क्या मिला, इससे अपने पास आउटपुट में आपके पास इमेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्राप्त हुई। इसके अंदर देखो ये जो ब्लैक था इसके अंदर कोई स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे कोई डिवीजन का सिंबल बना हुआ है, या ए अल्फा लेटर बना हुआ है आपका। सिमिलरली यहाँ पे कोई लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे आपका सर्कल बना हुआ है। सो इट इज सिंपली वी कैन से इमेज इन्फॉर्मेशन, अपने इमेज को इन्हेंस किया और इन्फॉर्मेशन अपन ने एब्स्ट्रैक्ट कर पाया। सो ओरिजिनल इमेज, इट इज ओरिजिनल इमेज, रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड सी द रिजल्ट ऑफ द लोकल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाइड टू ए यूजिंग द नेबरहुड इंटू साइज 3:3। 3:3 मतलब 9 पिक्सल्स में वैल्यू में अपन ने इसको असाइन किया है और इससे अपने पास ये इमेज आई है। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? लोकल हिस्टोग्राम और एग्जाम्पल समझ में आया आपको, यस और नो? ठीक है, तो एग्जाम में आया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी आप देख के समझा सकते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अवर वी कैन से हिस्टोग्राम यूजिंग ए स्टेटिस्टिक्स फॉर द इमेज इनहेंसमेंट। अब अगर अपन एक वर्ड यहाँ पे आ गया स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन दो चीज़ें यूज लेंगे, एक लेंगे मीन, एक लेंगे वेरियंस, जिसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। मीन्स क्या होता है, सबका जोड़ के उसको उससे भाग दे दें तो मीन्स आ जाता है। वेरियंस क्या होता है वो भी आज अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो उनकी वैल्यू से किस तरीके से हिस्टोग्राम को प्रोसेस किया जाता है ताकि अपन इमेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको आप इन्हेंस कर सकें। तो कुल मिला के हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग का एक ही उद्देश्य है कि इमेज में मौजूद वह इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, दैट इज हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। चाहे उसके लिए आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करो, चाहे आप उसके लिए हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन अप्लाई करो या मैचिंग अप्लाई करो, चाहे उसके लिए लोकल हिस्टोग्राम अप्लाई करो, चाहे आप उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करो। ठीक है, सो स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसका देख लेते हैं, देन वी हैव सम न्यूमेरिकल पोर्शन, मैथमेटिकल पोर्शन एंड एग्जाम्पल। तो ये बहुत अच्छा है, बुक्स में बहुत वास्ट दे रखा है, बाकी जगह पे भी दे रखा है। आई ट्राई टू ग्रैब इट वेरी इजीली एंड एक्सप्लेन इन द डिसेंट मैनर ताकि आपको ये समझ में आए। सो स्टेटिस्टिक्स ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एन इमेज हिस्टोग्राम कैन बी यूज फॉर द इमेज इन्हेंसमेंट। जो भी इमेज है उसके हिस्टोग्राम से अपन सीधा अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स मतलब मीन्स और जो भी अपने बेसिक ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, लेट आर डिनोट द डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द रेंज 0 to L-1। क्या मतलब हुआ, अगर कोई इमेज है उसका कोई पिक्सल है, उस पर्टिकुलर पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होगी, अगर उसके अंदर जो इंटेंसिटी लेवल है वो 0 to L-1 होगी, तो 0 to L-1 ही को इसकी आर की वैल्यू होगी। जैसे इंटेंसिटी 8 हो, यानी कि अपन बात करें 3-bit इमेज, तो 3-bit इमेज में इंटेंसिटी लेवल कितना होगा, 8 होगा, तो इंटेंसिटी की रेंज क्या होगी, 0 to 7। ठीक है, 8-bit इमेज की बात करें तो इंटेंसिटी रेंज क्या होगी, 0 to 255, तो आर की वैल्यू 0 to 255 कुछ भी हो सकता है। सो आर क्या कर रहा है, किसी रैंडम पिक्सल की इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से L-1 की आपकी रेंज होगी। लेट पी ऑफ आर आई, पी ऑफ आर आई क्या होता है, देखो पहली बार भी देखा था अपन ने, उस पर्टिकुलर इमेज, उस पर्टिकुलर पिक्सल की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब अपन बोले हैं कि जो आपका ये पर्टिकुलर इंटेंसिटी है, सपोज इंटेंसिटी अगर बात करें, माना कि इंटेंसिटी लेवल आपका है, माना इंटेंसिटी लेवल आपका है जो 0 to 7 आपका लेवल हो, तो जो आपका इंटेंसिटी लेवल 6 है उसकी फ्रिक्वेंसी माना अगर 64 into 64 माने कि टोटल
4096 पिक्सल्स में से अगर इसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 2048 कितनी हो, 2048, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये जो लिखा है ना अपन ने P of RI क्या बोलता है, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू RI, नॉर्मलाइज वैल्यू या उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू अपन कह सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2048 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर अपन उसको डिवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल 4096 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो ये क्या हो गया, ये जो जितने भी पिक्सल्स हैं उसमें से 50% पिक्सल्स किसके हैं, इंटेंसिटी लेवल 6 के हैं। तो वो किसको डिनोट करता है, वो अपन पी ऑफ आर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अपन पिछले एग्जांपल में भी देख चुके हैं, काफी बार अपन ने देखा था इसको। अब सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स जो आता है उसको हम बोलते हैं मीन, एवरेज इंटेंसिटी, मीन या अपन क्या बोलेंगे, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ आर, एवरेज ग्रे लेवल। अब इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर ग्रे लेवल की क्या होगी वो अपन किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सो इट इज इट्स फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, आर आई क्या है, वो पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं ग्रे लेवल इनटू पी ऑफ आर आई। पी ऑफ आर आई का मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर एल माइनस वन जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स हैं उन सबका आपका सम, उन सबका सम अगर आर आई इंटू पी ऑफ आर आई करेंगे और उसका सम्स करेंगे सबका, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर किसकी कितने अकरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, जैसे किसी के पास 5 फ्रूट्स हैं, किसी के पास 2 फ्रूट्स हैं, किसी के पास 3 फ्रूट्स हैं, तो सारे फ्रूट को ऐड करके 3 मेंबर्स हैं, तो 3 मेंबर्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो सिमिलरली जितने भी आपके पास इंटेंसिटी है उनके पास किसके पास कितने कितने पिक्सल्स हैं उन सबको ऐड किया और उससे उसको अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी कैन से वी गेट द मीन। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है केवल फॉर्मूला। एक आपका होता है इंटेंसिटी वेरियंस, इंटेंसिटी वेरियंस अपन क्या मतलब होता है, देखो तो ये दो ही स्टेटिस्टिक्स हैं, इन दोनों का यूज़ क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो मीन से अपन क्या करते हैं, एवरेज इंटेंसिटी निकाल के अपन लोकली इन्हेंस कर सकते हैं, और इससे इंटेंसिटी वेरियंस से अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस कर सकते हैं। एक आपका कॉन्ट्रास्ट है और एक आपका ग्रे लेवल है, देखेंगे अपन एग्जांपल है अपने पास यहाँ के। सो इट इज अ फॉर्मूला फॉर वी कैन से इंटेंसिटी वेरियंस। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एम लिखा है, एम क्या है, एवरेज इंटेंसिटी। देखो यहाँ पर एवरेज इंटेंसिटी एम आपने निकाल ली है, इस पर्टिकुलर इमेज की एवरेज इंटेंसिटी एम आ जाएगी। उस एम को अपन ने किससे, जो पर्टिकुलर पिक्सल है उस पिक्सल की वैल्यू से घटाया और उसने उसका अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू से अपन ने घटाया उसका स्क्वायर कर दिया, और जितने भी हैं, जितने भी इंटेंसिटी लेवल्स हैं जीरो से लेकर एल तक जितने भी हैं उन सबका अपन ने सम कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी वेरियंस आ जाएगा। तो इंटेंसिटी वेरियंस का मतलब क्या हो गया, वेरियंस का मतलब वो पर्टिकुलर पिक्सल माइनस वी कैन से मीन वैल्यू का स्क्वायर इनटू उस पर्टिकुलर पिक्सल्स की प्रोबेबिलिटी, उस पर्टिकुलर पिक्सल की उस इमेज के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका पूरा डेरिवेशन ये किस तरीके से आया, ये कहाँ से आया, ये पूरा डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। यू कैन, अगर आपको इच्छा हो इस डेरिवेशन को जानने की कि कहाँ से आया, तो चैप्टर नंबर 3 जो स्टैंडर्ड बुक आपसे हमने शेयर किया वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो मीन इज द मेजर द एवरेज इंटेंसिटी एंड द वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं इसको, इज मेजर द कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज। सो इमेज के कॉन्ट्रास्ट को किस तरीके से मेजर करते हैं, इंटेंसिटी से, और एवरेज इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं, मीन से। तो मीन और इंटेंसिटी वेरिएशन या फिर इंटेंसिटी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन की सहायता से अपन क्या करेंगे, इमेज को इन्हेंस करेंगे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स फॉर इमेज इन्हेंसमेंट। तो यहाँ पे दो स्टेटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक आपका होगा मीन, एक होगा आपका इंटेंसिटी वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या समझ में आया, आर यू अंडरस्टूड लिटिल बिट अबाउट दैट। तो फिर इसके आगे अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
और एक इमेज देखेंगे। चलो ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इट इज एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं और फिर इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें अपन इसमें कवर करके चल रहे हैं। तो लेट एक्स एंड वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्सल इन द इमेज। किसी पर्टिकुलर पिक्सल की कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, एक्स वाई कोई पिक्सल है। एंड एस ऑफ एक्स वाई डिनोट्स अ नेबरहुड सब इमेज ऑफ ए स्पेसिफाइड साइज सेंटर्ड एक्स वाई। क्या मतलब हुआ, एक इमेज है, माना कि 3x3 की इमेज ली अपन ने, तो उसके सेंटर में कोई पिक्सल ले लिया एक्स वाई और उसके आजू बाजू अपने 8 पिक्सल्स होंगे, तो उस पूरे 9 पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, एस ऑफ एक्स वाई, जो कि आपका सब इमेज है। द मीन वैल्यू ऑफ दिस पिक्सल, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकल ले आए, मतलब आपके पास बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है, इस बड़ी इमेज के अंदर अपन ने कोई सब इमेज ले लिया या कुछ सब पिक्सल्स ले लिए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एस ऑफ एक्स वाई, और ये जो पर्टिकुलर बीच वाला पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इट इज अ एक्स एंड वाई, ठीक है, आपका एक्स एंड वाई है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, लोकल इनहेंस कर रहे हैं, इमेज के अंदर स्टेटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन एंड वेरिएंस दोनों अप्लाई कर रहे हैं, बट लोकली इनहेंसमेंट कर रहे हैं, मतलब पूरी इमेज को ना लेके किसी पर्टिकुलर सब इमेज को ले रहे हैं अपन। तो द मीन वैल्यू ऑफ द पिक्सल इन दिस नियर बाय नेबरहुड इज गिवन बाय, किस तरीके से देंगे, ये भी अपन ने फॉर्मूला देखा पिछली जस्ट स्लाइड में, अपन ने फॉर्मूला देखा आर आई पी आर आई, यहाँ पे अपन ने एस ऑफ एक्स वाई लिख दिया, मतलब यहाँ पे पिक्सल्स कितने होंगे, केवल और केवल इस पर्टिकुलर इमेज में जितने ले रहे हैं उतने ही पिक्सल्स होंगे, ना कि पूरी इमेज के पिक्सल्स होंगे, केवल उतने ही आपके पिक्सल्स होंगे। वेर पी ऑफ एक्स वाई इज द हिस्टोग्राम ऑफ द पिक्सल इन द रीजन एक्स वाई, केवल किसके अंदर का है, केवल और केवल उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर की क्या इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, मतलब अगर ये एक्स वाई है तो इसकी इंटेंसिटी बाकी के जो नेबरिंग इमेज है उसकी तुलना में कितना प्रतिशत है ना, टोटल इंटेंसिटी इसमें जितनी भी है उसकी तुलना में इसका इंटेंसिटी प्रतिशत कितना है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, पी ऑफ एक्स वाई उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है, वो अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी ऑफ एस ऑफ एक्स वाई, जो सिंपल अभी अपने लास्ट स्लाइड में देखा। और द वेरियंस ऑफ द पिक्सल इन द नेबरहुड इज गिवन बाय, वेरियंस किस तरीके से निकालेंगे, सेम फार्मूला, इस फार्मूला को अपन लिखेंगे तो वेरियंस आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन का अपन मीन इस तरीके से निकालेंगे, इस छोटे से पोर्शन का वेरिएशन अपन कुछ इस तरीके से निकालेंगे, जहां पे जो पिक्सल्स होंगे केवल और केवल वही पिक्सल्स होंगे जो कि अपन नेबरहुड में ले रहे हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इनहेंस लोकली, न कि अपन ग्लोबली इनहेंस कर रहे हैं। नाउ लेट्स इट इज एन अ फिगर, अब ये फिगर देखो, इस फिगर में अंदर अपन फिगर जो है इसका मतलब अपन लोकल इन्हेंसमेंट किया है, लोकल इन्हेंसमेंट किया है, तो देखो कैसे किया है, ये आपकी पर्टिकुलर इमेज है, ये इमेज जो है वो आपका फिलामेंट्स ऑफ द मैग्नीफिंग अप्रोक्सीमेटली एक पर्टिकुलर इमेज है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये देखो SEM एक इमेज आपको दे रखी है, ये ब्लड्स के अंदर एक फॉर्मुलेशन बनता है एक पर्टिकुलर किसी कॉज का, उसका एक इमेज है, बायोमेडिकल की इमेज एक। अब इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर इमेज है इसको अपन को इन्हेंस करना है, तो इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो पीछे भी एक और स्ट्रक्चर्स पीछे की ओर भी रोटेट कर रहे हैं, इस इमेज के अंदर वो बहुत डार्क है, इस इमेज के अंदर थोड़े से लाइट हुए, और इस इमेज के अंदर देखोगे तो ये आपके थोड़े ज़्यादा लाइट दिख रहे हैं, और एज़ कम्पेयर टू ये आपके एज इट इज़ वैसी इंटेंसिटी रह रही है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, वी अप्लाई द मीन्स एंड वेरियंस, मीन्स एंड वेरियंस का मतलब क्या किया अपन ने, लेट हैव अ लुक, इमेज ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट्स मैग्नीफाइड अप्रोक्सीमेटली 130 into 30 आपका होगा पूरा, ये मैं चेक करके बता दूंगा। द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये ग्लोबल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, बी इमेज के अंदर अपन ने ग्लोबल इसको इनहेंस किया है। एंड वट वी हैव इमेज इनहेंसमेंट यूजिंग द लोकल हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स, तो ये आपकी इमेज है जिसको अपन ने किससे इनहेंस किया है,
लोकल हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स से अपन इसको इन्हेंस कर रहे हैं। ओरिजिनल इमेज ये कहाँ से ली गई है, क्या है वो आपका बताया गया है, कहाँ से इसको लिया है, ओरिजिन इसका बताया, रिसोर्सेज बताया है। तो यहाँ पर ये आपका ग्लोबल इन्हेंसमेंट है, यहाँ पे अपन ने लोकल इन्हेंसमेंट अप्लाई किया लेकिन साथ में स्टेटिस्टिक्स भी अप्लाई किया। तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है, लोकल प्लस स्टेटिस्टिक्स, मतलब मीन्स और वेरियंस दोनों अपन ने निकाला है। तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा और आपके इंटेंसिटी लेवल भी वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, लेट्स हैव अ लुक थ्योरेटिकल। इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रॉब्लम इज द इन्हेंस द डार्क एरिया वाइल द लिविंग द लाइट एरिया अनचेंज्ड। केवल अपन डार्क एरिया को चेंज करना चाहते हैं जबकि लाइट एरिया को अपन चेंज नहीं करना चाहते हैं। आर अनचेंज पॉसिबल बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड इन्हेंसमेंट। तो लाइट एरिया को अपन को चेंज नहीं करना है, केवल अपन को किसको चेंज करना है, डार्क एरिया को। वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इन द सेक्शन टू फॉर्मुलेट एन इन्हेंसमेंट मैथड दैट कैन बी टेल द डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द लाइट। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा एरिया लाइट है? तो सिंपल सा है, अभी अपन ने मीन्स और वेरियंस निकाला है ना, तो पर्टिकुलर किसी पिक्सल की वैल्यू जो है वो मीन इंटेंसिटी से, मैं आपको बोल दूंगा कि किसी के पास एवरेज पैसे से कम पैसा है तो वो पुअर है और किसी के पास एवरेज पैसे से ज़्यादा पैसा है तो वो अपन कह सकते हैं थोड़ा रिच पर्सन है। उसी प्रकार इंटेंसिटी में मीन वैल्यू से कम उसकी इंटेंसिटी है तो वो क्या हो गया, डार्कर हो गया, और मीन वैल्यू से ज़्यादा इंटेंसिटी तो वो क्या हो गया, आपका लाइट हो गया। तो कौन सा एरिया डार्क है और कौन सा एरिया लाइट है वो किस तरीके से पहचान करेंगे अपन, वो पहचान करेंगे मीन वैल्यू से, और जो एरिया डार्क होगा उसको अपन लोकली क्या कर देंगे, इन्हेंस कर देंगे। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सी ये जो चीज़ अपन देख रहे हैं इसका प्रैक्टिकली मैटलैब कोड भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, आप उसका वेरियंस कैलकुलेट करो, हर एक पिक्सल की वैल्यू को मीन्स और वेरियंस से कंपेयर करो, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम उसकी वैल्यू है उस पिक्सल की, यानी कि डार्क वैल्यू है, मीन से कम वैल्यू है, तो उसको अपन क्या करेंगे, लोकली इन्हेंस कर देंगे। या तो आप उसमें लोकली इन्हेंस करने के लिए इमेज इक्वलाइजेशन अप्लाई करो या फिर अपन इमेज स्पेसिफिकेशन या मैचिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इन दिस सेक्शन टू फॉर्मुलेट एन इन्हेंसमेंट मैथड दैट कैन बी टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द डार्क एंड द लाइट एट द सेम टाइम इट कैपेबल टू इन्हेंस ओनली द डार्क एरिया। तो अपन ने जो भी स्टेटिस्टिक्स यूज किया उससे अपन डार्क एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और केवल डार्क एरिया को इन्हेंस करेंगे। सी अगर अपन लोकल इन्हेंस करते हैं पूरी इमेज पे तो सारी इमेज क्या हो जाती है, वाइट हो जाती है, जो बिल्कुल डार्क है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता। किस तरीके से, जैसे अपन ने पिछली साइड में देखा, ये वाली स्लाइड अपन ने देखी, इस वाले एग्जाम्पल में लोकल इन्हेंस किया था अपन ने, तो इसके अंदर बिल्कुल इमेज लाइट हो गई थी लोकल इन्हेंसमेंट में, लेकिन अपन को पूरी इमेज लाइट नहीं करनी, अपन क्या करना चाहते हैं, केवल और केवल We want to enhance only certain portion of a particular darker area को enhance करना चाहते हैं, तो इसमें अपन local enhancement apply करेंगे और statistics भी apply करेंगे। So next point, a measure of the whether an area is relatively light or darker at a point xy is compared the average local intensity। See कितनी beautiful line लिखी है, वही चीज जैसा मैंने आपको बताया था, average सबकी पैसा निकाला अपन ने, अगर किसी के पास पैसा उस average पैसा से कम है ना, सबका सम किया और उसका एवरेज निकाल दिया, तो सब इस पर्टिकुलर पर्सन कंटेनिंग द वैल्यू लेस देन द एवरेज वैल्यू, उसका मतलब उसको तो उसके पास वैल्यू कम है, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, डार्क है, और अगर वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है, लाइटर या फिर रिच है। एंड द एवरेज इंटेंसिटी कॉल द ग्लोबल मीन्स और डिनोटेड बाई एम जी। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दो चीज़ें अपन ले रहे हैं, एक तो पूरे ओवरऑल इमेज, जितनी भी पूरी ओवरऑल इमेज है उसकी ग्लोबल इंटेंसिटी ली एम जी, और एक लोकली जिस एरिया को अपन कंपेयर कर रहे हैं, जिस एरिया को पिक्सल्स को अपन लिया है उसकी इंटेंसिटी ले रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एम एस। तो सपोज एक्स एक्स वाई पॉइंट था, एक्स वाई पॉइंट के अपने आस पास आजू बाजू अपने तीन पॉइंट्स थे, मतलब थ्री इंटू थ्री मतलब नाइन पॉइंट्स थे, उन नाइनों पॉइंट्स की अपन ने क्या निकाली, इंटेंसिटी निकाली। अगर उन नाइन पॉइंट की इंटेंसिटी पूरी इमेज की ग्लोबल इंटेंसिटी से कम है, मतलब वो पोर्शन क्या आपका डार्क पोर्शन है, ठीक है, और ये आपका इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला था, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, मीन इंटेंसिटी, मीन वैल्यू, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इन्हेंसमेंट, ये क्या आपका FIRST आएगा यहाँ पर, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इन्हेंसमेंट। तो इन्हेंसमेंट का सबसे पहला पोर्शन क्या है, डार्क एरिया को आइडेंटिफाई किया है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है, मीन वैल्यू को कंपेयर करके, किससे कंपेयर किया,
ग्लोबल मीन वैल्यू को उस पर्टिकुलर पिक्सल की मीन वैल्यू से कंपेयर करके चेक किया कि ये डार्क है या फिर लाइट है। क्या समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइए, आर यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इस एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि डार्क और लाइट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओके ओके, सो लेट हैव अ लुक नाउ, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एनहेंसिंग एरिया दैट हैव लो कॉन्ट्रास्ट। अपन को केवल किसको इनहेंस करना है, जिसका कॉन्ट्रास्ट लो हो, जो कि आपका डार्क है। वी आर नीड टू मेजर द डिटरमाइन द वेदर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एरिया मेक इट्स कैंडिडेट फॉर एनहेंसमेंट। क्या अपन को कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से एनहेंसमेंट करना है? सो वी कंसिडर द पिक्सल एट पॉइंट एक्स वाई इन द कैंडिडेट एनहेंसमेंट इफ। फिर अपन क्या करेंगे, उसका कॉन्ट्रास्ट भी अपन को इनहेंस करना है। किस तरीके से इनहेंस करेंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट का कॉन्ट्रास्ट किससे डिनोट कर रहा है? पाई ऑफ एस ऑफ एक्स वाई, और पूरी इमेज जो कि आपकी पूरी इमेज दे रखी है उसका कॉन्ट्रास्ट पाई ऑफ जी, जी फॉर ग्लोबल, ग्लोबल पूरी इमेज का कॉन्ट्रास्ट और उस पर्टिकुलर एरिया का कॉन्ट्रास्ट। अगर उस पर्टिकुलर एरिया का कॉन्ट्रास्ट आपका कम है तो व्हाट वी डिड, वी सिंपली डू द इनहेंसमेंट। और ग्लोबल कैसे निकालते हैं? चाहे ग्लोबल निकालो, चाहे पर्टिकुलर उस 9 pixels का निकालो, ये आपका फॉर्मूला था जो अपन स्टार्टिंग में देख चुके थे। सो एंड K2 इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। यहाँ पर K2 क्या है? कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है इनहेंसमेंट के अंदर, या अपन कह सकते हैं वेरियंस के अंदर। देन द वैल्यू ऑफ K2 इज द कॉन्स्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1 इफ द वी आर इंटरेस्टेड इंटेंसिटी आई इनहेंस लाइट एरिया एंड लेस देन 1.0 देन द डार्कर एरिया। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर K2 जो कॉन्स्टेंट अपन ले रहे हैं विल बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ा होगा इफ वी आर इंटरेस्टेड आई इनहेंसिंग लाइट एरिया। अगर अपन लाइट एरिया को इनहेंस करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। एंड लेस देन 1.0 ऑफ द डार्कर एरिया, अगर आपका एरिया क्या है वो डार्क है तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 से आपकी कम होगी। मतलब लाइट एरिया के लिए इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी और डार्क एरिया के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो अपन किस में इंटरेस्टेड है? अभी डार्क एरिया को एनहेंस करना चाहते हैं। सो लेट हैव अ समराइज दिस फॉर्मूला। ये टेबल है, इट इज ऑल्सो गिवन इज टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। बहुत बहुत शॉर्टली जो भी पीछे अपन ने पूरा थियोरटिकल डिस्कस किया वो सारा इसके अंदर दे रखा है। देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल ई और यहाँ पे आपको दिखेगा सिंपल। तो कैपिटल ई का मतलब होता है इनहेंसमेंट अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो कब अप्लाई करेंगे? जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो है, किसी पर्टिकुलर सब इमेज मतलब उस 3x3 pixels अगर अपन बात करें तो 3x3 pixels की इंटेंसिटी की वैल्यू, अगर आपकी ग्लोबल इंटेंसिटी 3x3 pixels की मीन की वैल्यू अगर आपकी ग्लोबल मीन्स की वैल्यू से कम है, मतलब वो डार्कर है, और उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो K1 एंड K2 आपके कॉफिशियंट्स हैं। K1 जो आपका है वो आपका डार्कर एरिया के लिए है, सपोज अपन बात करें उसकी वैल्यू 1.0 से कम, और K2 आपका लाइटर एरिया जिसकी बात अपन करें जिसकी वैल्यू 1.0 से अधिक होगी। तो 1.0 से कम और 1.0 से अधिक के बीच की अगर आपकी स्टैंडर्ड वेरिएशन आ रहा है उस पर्टिकुलर इमेज का, इसका मतलब अपन को उसको क्या करना है, इनहेंस करना है। ई डॉट मतलब उसमें अपन क्या करेंगे, इनहेंसमेंट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू, अगर लाइट है, जैसा कि अपन ने देखा था उस फिलामेंट के अंदर कुछ पोर्शन आपका लाइट था, अगर लाइट होता है तो अपन उसको एज इट इज रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो जो भी पिक्सल्स है उसके अंदर अपन सब इमेज लेंगे, सब पिक्सल्स लेंगे, उसका अपन मीन्स निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे, और पूरी इमेज का ग्लोबल मीन्स और ग्लोबल वेरिएबल निकालेंगे, उससे अपन कंपेयर करेंगे। अगर उसकी वैल्यू उससे कम है तो इनहेंस करेंगे, अगर कम नहीं है तो उसको अपन एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल में लिखा है, इट टेकन अगेन फ्रॉम द स्नैपशॉट फ्रॉम द बुक। सो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 to 1 to m-1, m क्या है यहाँ पे आपका रो है, और n क्या है आपका कॉलम्स है। तो रो और कॉलम्स से अपन चेक करते जाएंगे। वेयर इज द इंडिकेट्स देन अबो ई K0 Kn K2 आर द स्पेसिफाइड पैरामीटर mg, स्पेसिफाइड पैरामीटर्स हैं। देन mg जो है आपका, इट इज अ ग्लोबल मीन्स ऑफ द पर्टिकुलर इमेज,
एंड पाई जी जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पैरामीटर एम एस पूरे पाई, देखो एम एस एंड ये जो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जी, ये ग्लोबल आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, और ये जो जी पाई ऑफ एस एक्स एक्स वाई है ये आपका लोकली स्टैंडर्ड आपका, ये देखो यहाँ पर लोकल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर ये क्या है, दो हैं एम जी और पाई जी, ये आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन्स है, और एम ऑस एक्स वाई एंड पाई ऑफ एस ऑफ एक्स वाई ये आपका क्या है, वी कैन से लोकल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड यूजुअली एम एंड एन आर द रोज एंड कॉलम्स, तो ये रोज एंड कॉलम्स हैं। तो किसी इमेज के अंदर अपन स्टेटिक्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी मीन्स और वेरियंस की वैल्यू निकालेंगे, उसकी मीन्स और वेरियंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक सब इमेज में लोकल इमेज के साथ, लोकल पिक्सल्स के साथ। अगर उसकी वैल्यू कम है तो उसको एनहेंस करेंगे, कम नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।